Dear students, good morning. Our today topic is the abolition of slavery, यानी दास प्रथा का उन्मूलन. दास प्रथा means गुलाम जो बना करके जबरन रखा जाता था दास के रूप में, उसका खात्मा. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. यानी फ्रेंच कॉलोनीज़ में जो स्लेवरी यानी गुलाम बना करके जो लोगों को रखा जाता था, यह एक सामाजिक सुधार के रूप में जोकोबिन शासन जोकोबिन डिजाइन में यह एक महत्वपूर्ण समाज सुधार करने का एक क्रांतिकारी पहलू था. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्थिनिक, गॉडेलोप एंड सैन डोमिगो वेयर इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको. यानी कॉलोनीज वाले में मार्टिनिक, गोंडेलोप एंड सैन डोमिगो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण सप्लायर थे कमोडिटीज के, यानी घरेलू उत्पादन वाले सामान के, जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी. बट The reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. लेकिन the reluctance of Europeans, यानी Europeans के इच्छा के विरुद्ध, to go and work in distant, मतलब दूर जाकर के काम करना, and वैसे जगहों पे जहाँ पे unfamiliar land है, मिंट वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज होती थी, वर्कर्स का शॉर्टेज हुआ करता था प्लांटेशन के काम के लिए. सो दिस वाज मेट बाय ट्रायंगुलर स्लैव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज. इसलिए लेबर का सप्लाई भी, यानी स्लैव यानी जिसको गुलाम और दास बना के रखना, सो दिस वाज मेट बाय ए ट्रायंगुलर स्लैव ट्रेड बिटवीन यूरोप, यानी ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड यानी तीन देशों के बीच, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच ये ट्रायंगुलर व्यापार चलता था स्लैब को गुलाम बना करके रखने का. द स्लैब ट्रेड बिगेन इन 17th century, यानी स्लैब ट्रेड की शुरुआत 17th century में हुई. स्लैब ट्रेड मीन्स यानी आदमी को ज़बरदस्ती पकड़ के और गुलाम बना करके रखना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाके. फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डियक्स ऑन नैंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट. फ्रेंच जो सौदागर थे, स्लैब ट्रेडर, वो स्लैब को बेचते थे ये बॉर्डियक्स और नैंटेस, ये दो बंदरगाह थे अफ्रीकन कोस्ट पर. वहाँ से वेयर दे बॉट स्लैब फ्रॉम लोकल चिफ्टेन, वहाँ पे लोकल चिफ्टेन के द्वारा जो है स्लैब को ख़रीदा जाता था. ब्रांडेड एंड सेकल्ड द स्लैब वेयर पैक्ड टाइटली इन टू शिप ऑफ द 3 month लॉन्ग वोयाज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन. यानी ब्रांडेड एंड सेकल्ड द स्लैब वेयर पैक टाइटली इन टू शिप, यानी पैरों और हाथों में जंजीर लगा करके स्लैब को टाइटली पैक्ड कर दिया जाता था शिप में. द 3 month लॉन्ग वोयाज अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरेबियन, अटलांटिक से और कैरेबियन से जाने में 3 महीने का वक्त लगता. देयर दे वेयर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर, और उसके बाद स्लैब को प्लांटेशन ऑनर को बेच दिया जाता. द एक्सप्लॉटेशन ऑफ स्लैब लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप. यानी द एक्सप्लॉटेशन ऑफ स्लैब, गुलाम का इस तरह से शोषण करना, मेड इट पॉसिबल टू मेट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो.
इस तरीके से जो यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो का डिमांड था उसका पूरा करने में मदद मिलता था। पोर्ट सिटी लाइक बोर्डियक्स एंड नैंतेज ओब्ड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोसिंग स्लैब ट्रेड, और इस तरह से स्लैब ट्रेड से ये लोग की इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी थी, यानी इकोनॉमिकल या स्लैब ट्रेड करके यह लोग काफ़ी समृद्ध थे दो बंदरगाहों पर।